नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पांडा वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है और पांडा एप्लीकेशन की मदद से आप किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कैसे जुड़ सकते हो, तो ये सारी जानकारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ वीपीएन होता क्या है। वीपीएन की मदद से दोस्तों आप किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से जुड़ जाते हैं, यानी कि अगर आपके कंट्री में कोई ऐसी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, वीपीएन की मदद से आप उसको यूज कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से जुड़ के। और दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन सा वीपीएन सेफ एंड सिक्योर और बेस्ट रहेगा और वीपीएन फ्री भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों पांडा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पांडा वीपीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजिली अपने फोन में। और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं आपको प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ। दोस्तों 4.1 की स्टार रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, तभी इतनी अच्छी इसकी रेटिंग है और एप्लीकेशन काफ़ी फेमस है, जैसे कि इसके डाउनलोड देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल सा इसका यूज़र आईडी इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप दूसरी कंट्री के सर्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको ऑन का ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन करेंगे और सिंपली आप दूसरी कंट्री के सर्वर से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे नीचे स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। एक तो फ्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको चार कंट्रियों के सर्वर आपको देखने को मिलेंगे, वो चारों सर्वर दोस्तों यहाँ पे आप फ्री में कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके वीआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे कंट्रियों के सर्वर यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे काफी सारे कंट्रियों के सर्वर तो दिए गए हैं, लेकिन इन सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इनको पेमेंट देना होगा, यानी कि इनकी जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। अगर आप इनमें से कोई सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप कर पाओगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फ्री के यहाँ पे चार सर्वर देखने को मिलते हैं। अगर आप इनको यूज करते हैं तो आप फ्री में यहाँ पे जो वीपीएन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको माई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको 30 दिनों के लिए फ्री ट्रायल भी मिलता है, आप 30 दिनों के लिए इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को रेटिंग देना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ दोस्तों ये भी है कि इस एप्लीकेशन को आप पीसी और मैकबुक वर्जन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सारी सेटिंग की ऑप्शन दी गई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। अगर आप यहाँ पे इनकी जो सब्सक्रिप्शन लेके जो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज दी गई हैं उनको यूज़ करना चाहते हो, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो इनका सिर्फ 2.77 पर मंथ यहाँ पे करके आप जो बाकी के कंट्री के सर्वर भी यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि पांडा वीपीएन को कैसे यूज़ करना है और कैसे यहाँ पे जो फ्री में भी आप सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दोस्तों डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।